जेल में भी धन्यवाद। दीप प्रज्वलन होने के बाद अतिथि महोदय से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं सभी? हम इंतजार करते करते थक गए, मेरे को ऐसा लगा था कि टाइम नहीं दिख रहा, कब बजेंगे यार, कब बजेंगे ज़्यादा जल्दी से, कब कब कब। दो बार मैंने पूछ लिया स्लॉट खाली है कोई, उस टाइम करा दो, लेकिन वो स्लॉट खाली नहीं था। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात कैसे? दिन मेरा अधूरा अधूरा सा रहता है, जब मैं आपसे ना मिलूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिन मेरा अच्छा नहीं जा रहा। ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लान नाउ यू विल हैव अ लेटर। अच्छा, एक चीज, मतलब जो आप होते हो वही आप आते हो, वही आप चाहते हो, काफ़ी सारी चीज़ें सुनने के लिए कहूँगा। जो आप भगवान चाहते हो, ऐसे बहुत सारे कथन, बहुत सारी चीज़ें सुनी ही हैं। इन सबका मतलब कि आप जो डिज़ायर रिजल्ट चाहते हो उसके लिए जो डिज़ायर इनपुट आपको करना है, जो एफर्ट आपको करना है वो करना चाहिए। इन शॉर्ट, इन सबका क्रक्स ये। अब अगर आप मान के चलिए ये चाहते हैं कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस प्रोसेस से, उस रिग्रेस जो प्रोसेस है उसके थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है? तो ये वही चीज़ है कि भैया जो अभी करोगे वही रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अभी हार्डवर्क करोगे, अभी अगर खुद को डिसिप्लिन में रखोगे, तो ये दोनों चीज़ें आपको फाइनल रिजल्ट देकर ही जाएंगी, है ना? चले, और आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं। और हेडलाइंस को अगर देखें, ये मतलब वाइट में रह गया क्योंकि पैटर्न चेंज किया। तो सिटीजनशिप पार ठीक है,
की वजह से सीएसके इंटरेस्ट प्रॉपर्टी स्कूल का मेरे लिए सम्मान है। मैं फिर आपसे बात करूंगा इन सबकों के साथ। मैं आपका आभार करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप बच्चों को अपनी तरफ से शुभ आशीर्वाद दें और बच्चों के पेरेंट्स को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डीएसपी इंटरनेशनल स्कूल के इस बहुत ही भव्य वार्षिकोत्सव समारोह के अवसर पर अभी हम सब लोग इनको सुन रहे थे, इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लगातार अपने गुरुओं के द्वारा जो काम प्रारंभ किए हैं उन सभी कामों को सतत रूप से समाज के साथ मिलकर लक्ष्य तक पहुंचाने का काम, नए होनहारों को शिक्षा देने का काम इनके माध्यम से हो रहा है। इस डीएससी इंटरनेशनल मोदी स्कूल के चेयरमैन पूज्य महाराज ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, हमारे यहाँ के ट्रस्टी श्री रमन गोयल जी, प्रधानाचार्य श्री शिव सहगल जी, टी के शर्मा जी, यहाँ की मेयर अनिता मंगई जी, हमारे विनय जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रविंदर जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे शर्मा जी, दीप भाई, सभी आए हुए अतिथिगण, सभी विद्यालय के अध्यापकगण, प्राध्यापकगण और अभिभावकगण, दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहने और जिनके निमित्त आज ये भव्य हमारे पूज्य महामंडेश्वर रामेश्वर दास जी ने इनका नाम क्षमा करेंगे, हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिय मेरे बेटे बेटियों, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पूज्य गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज इतने शानदार कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाया और आप सब से मिलने का अवसर प्रदान किया। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज जी की स्मृति में उनके शिष्य पूज्य ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज जी द्वारा 2007 में रोपा गया एक छोटा सा स्कूल रूपी पौधा आज एक बड़े वृक्ष का रूप ले रहा है, जो नित नए आयामों को छूने का काम कर रहा है। यहाँ पर आज विद्यालय के बालक बालिकाओं के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा जिस प्रकार से इस मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये विद्यालय नित नए आयामों को छूने का काम करेगा। मैं आज इस अवसर पर लोक कल्याण के लिए अपना, जिन्होंने संपूर्ण जीवन आहुत किया, ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में भी अपना कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से ये आज तमाम प्रकार के सामाजिक काम अभी महाराज जी बता रहे थे कि 48 संस्थाएं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में चल रही और 50,000 के करीब गौ माताएं इस आश्रम के सानिध्य में रह रही है। नए नए काम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के द्वारा हम सभी के लिए उनका जीवन प्रेरणा पुरुष है, उनका जीवन हमें सिखाता है किस प्रकार दूसरे के दुखों को, दूसरों की परेशानियों को
अपना मानकर उनका निवारण करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, उनकी आत्मिकता, उनका स्नेह, जीवन शैली और प्रभुकार, उनके जीवन का सिद्धांत था, उसको आज आगे बढ़ाने का काम उनकी नई पीढ़ी के द्वारा हो रहा है। मैं मानता हूँ प्रत्येक जनसेवक को उनके उपदेशों आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति व हमारे साधु संत सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। संत केवल कार्य से ही नहीं, अपने आचरण से भी, अपने त्याग से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से समाज को शिक्षा और दृष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि संतों का जीवन ही परोपकार को समर्पित होता है। स्वयं दूसरों का दुख लेकर समाज को सुख प्रदान करना ही संतों ने अपना धर्म अपनाया। आदि गुरु श्री जयराम जी महाराज से लेकर पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी का पूरा जीवन लोक कल्याण और समाज के लिए समर्पित रहा है। और वर्तमान में मैं पिछले दिनों महाराज के हरिद्वार वाले जयराम आश्रम में भी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, वहां भी मैंने देखा कि आप अपने गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने के लिए और कोई भी काम आप करते हैं पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हैं, अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं और समर्पित भाव से सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए आज मैं अत्यधिक व्यस्त होने के बाद मैं आप सबके बीच में आने के लिए मजबूर हुआ। मैं आज बाहर था लेकिन मैं हमेशा कोई भी छात्रों का कार्यक्रम होता है, विद्यार्थियों का कार्यक्रम होता है, बेटे बेटियों का कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में मैं कोशिश करता हूँ कि अवश्य पहुंचूं। आज के इस अवसर पर चूंकि अच्छा होगा कि मैं भी आज की रात तक जो एक कार्यक्रम चल रहा है पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि रात्रि को 10 बजे तक कार्यक्रम चलने वाला है और इतने शानदार कार्यक्रम हमारे शहर ने यहाँ पर बच्चों के द्वारा तय किए हुए हैं, उनको प्रेरित किया हो रहा है, उनको देखता और बहुत अच्छा लगता और मेरा मन भी था लेकिन पहले से ही कुछ कार्यक्रम निर्धारित है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में सभी बच्चों को आने वाले उनकी प्रस्तुति के विद्यालय के सभी अध्यापकगणों को प्राध्यापकगणों को आए हुए बच्चों के माता पिता उनके अभिभावकों सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए बहुत बधाई देते हुए और अब कुछ ही दिनों बाद हमारा कैलेंडर का नववर्ष आने वाला है। उस कैलेंडर के नववर्ष की आप सबको बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते हुए कि हमारे बच्चे हमारे बेटे बेटियां इस स्कूल से निकलकर आने वाले समय में जहाँ इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे, माँ गंगा के आशीर्वाद से अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करके देश और प्रदेश का भविष्य बनेंगे। बहुत शुभकामनाएं देते हुए जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे वहां भी उन नेतृत्व देने का काम करेंगे और माँ भारती के मान सम्मान को हमेशा बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और महाराज जी का और पूरे विद्यालय परिवार का एक बार हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने भरोसे से समय निकाला। थैंक्स फॉर योर